नमस्कार दोस्तों, आज हमें दिल्ली में ये जो इलाका है, ये दिल्ली में त्रिपुरा भवन के सामने का ये इलाका है, ये त्रिपुरा भवन है और यहाँ पर आज कुछ प्रदर्शनकारी आने वाले हैं, उसको लेकर ये पुलिस बल तैनात किया गया है। कई प्रकार की यहाँ पुलिस तैनात है, अर्धसैनिक बल हैं और बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, जो दंगा नियंत्रण फोर्स है, यहाँ पर वाहन है और बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है। दरअसल त्रिपुरा में जो हिंसा फैली हुई है दो समुदायों के बीच, उनको लेकर अल्पसंख्यक समुदायों ने दुख जताया है और दिल्ली के जो त्रिपुरा भवन है वहाँ पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है। उसी को लेकर ये यहाँ आज पुलिस बल तैनात की गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये अरुणाचल भवन है और उसके पड़ोस में ही त्रिपुरा भवन है। त्रिपुरा जो एक राज्य है देश का और उसकी राजधानी अगरतला है, वहाँ पे दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई है और समुदाय विशेष के कुछ धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है कुछ लोगों के घरों में, जो वहाँ पर अशांति फैली हुई है उसको लेकर कुछ सामाजिक संगठन और कुछ अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बोला है प्रदर्शन करेंगे त्रिपुरा भवन के सामने। उनका कहना है कि त्रिपुरा में कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर हिंसा फैलाई हुई है और उसको लेकर ये पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, वो प्रदर्शनकारी यहाँ पर आएंगे और अपना जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ बैरिकेड लगाए हुए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा के दौरान कुछ तोड़फोड़ की गई थी और मंदिरों में हिंदू धर्म के लोगों के साथ में वहाँ मारपीट आगजनी हुई थी उनके घरों और दुकानों में, उसका असर त्रिपुरा में देखने को मिला है और पश्चिम बंगाल में भी, जिसके बाद से प्रभावित लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसी को लेकर ये पूरी तैयारी की हुई है।